झोल तो है। कैसा झोल? अरे इतनी सारी कैश की ट्रांजेक्शन हो रखी है अकाउंट में, ये पैसा कहाँ से आ रहा भाई? डाल देते हैं लोग। कौन लोग? जान पहचान वाले लोग हैं। अरे मैडम, जान पहचान वाले लोग डाल देते हैं, उनका नाम तो होगा, बोलो क्या? अरे डिटेल देनी पड़ेगी, ये अकाउंट में जो कैश ट्रांजेक्शन हो रखी है, क्यों हो रखी है और किसने की है भाई? अरे ये कमेटी चलाते है ना। ओहो, कमेटी भी डालते हैं? इल्लीगल है। कौन कहता है? बताऊं कौन कह रहा है इल्लीगल है? ट्रांजेक्शन की डिटेल तो आ गई मेरे पास, इसके अलावा कैश में भी तो डील करते होगे तुम लोग, वो पैसा कहाँ है? वो तो हम गद्दे के नीचे रखते हैं। क्यों जी? 20-50 रुपए के बारे में नहीं पूछ रहा वो। अरे काले पैसे के बारे पूछ रहा हूँ, काला धन, वो कहाँ रखते हो? 1 ग्राम विकास अधिकारी कभी काला पैसा नहीं कमाता। अच्छा, तो ये 4-4 लाख की जो ट्रांजेक्शन हो रखी है 6 महीने में, ये कहाँ से आ रही है? 4 लाख? तुम तो कह रहे थे कमेटी 2 लाख की है। तो सब बता दूं क्या तुम्हें? अरे इन्हें कुछ बताओ ना बताओ चलेगा, मुझे सब बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? जब तनख्वाह तुम्हारी 55,000 रुपए है तो इतना मोटा लेन देन कहाँ से हो रहा भाई? बता तो दिया कमेटी के पैसे हैं। अरे तो ये पिछले महीने 8 तारीख को 40,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है, ये कहाँ से आई है? 40,000? ये कोई बबलू नाम का आदमी है, उसने करी है ट्रांजेक्शन, आप जानते हो उसे? तुमने मेरे मायके वालों से पैसे वापस मांग लिए? तो क्या दान कर देता? दान नहीं करना था, पर कुछ दिन रुक नहीं सकते थे? 2019 के पैसे 2023 में मांगे, अब और कितना रुकूं? अरे वो पैसे लेके भाग। मैडम 1 मिनट, ये लड़ाई झगड़ा अपना घर जाके करना, पहले ये बताओ पेनल्टी भरनी कैसे है? 1 ग्राम विकास अधिकारी कभी पेनल्टी नहीं भरता। फिर जेल जाओ भाई। भाई साहब ये सब आप क्या कह रहे हैं, ये जेल वेल का डंडा क्यों पालना? आप बताइए ना हम क्या कर सकते हैं? अरे करना कुछ नहीं है मैडम, जो इतने सालों से लेन देन कर रखा है ना 2 नंबर में, इसकी पेनल्टी भरो और जाओ। हम भर देंगे, आप बताइए कितने पैसे भरने? सिर्फ 1.25 करोड़। क्या बकवास कर रहा है? तेरे बाप ने देखे हैं कभी 1.25 करोड़? मेरे बाप ने नहीं देखे, लेकिन मैं देख भी लूंगा और तेरे से निकाल भी लूंगा। अरे भाई साहब पर इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? एक बार आप दोबारा चेक कीजिए ना, हो सकता है कोई गलती हो गई है। अरे कोई गलती नहीं हुई मैडम, ये शुरू से टैक्स का पैसा चोरी कर रहा है। ये सब झूठ है। क्या झूठ है? मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं किया। अच्छा, जो इतने सालों से लेन देन कर रहा है 2 नंबर में, सरकार को बताया क्यों नहीं? अरे आप क्या संसद में जाके मोदी जी के हाथ में थमा दूं अपनी बैंक स्टेटमेंट? अरे इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते हो? बुरा लग गया तो? 1 ग्राम विकास अधिकारी कभी धीरे नहीं बोलता। बोलेगा, जब पुलिस के लठ पड़ेंगे ना तो धीरे भी बोलेगा। पुलिस? भाई साहब ये पुलिस बीच में कहां से आ गई? बात अपने तक ही रखिए ना, अब हमें बताइए ये मामला कैसे सुलटा सकते हैं? कुछ लाए हो? कुछ मतलब? हाँ भाई साहब लाए हैं, अब बताइए कितने पैसे? अब मैं क्या बोलूं, जो आपको ठीक लगे अपने हिसाब से देख लीजिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? यहाँ आयकर विभाग में बैठ कर उसे रिश्वत दे रही हो, जेल जाने का मन है क्या? तुम चुप रहोगे, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। देखिए भाई साहब। अरे मैडम, काला पैसा है ना आपके पास? हाँ है, लेकिन वो इनका नहीं है, ये तो शुरू से कमाई में ठोस है। वो तो मेरे पप्पा समझदार है, वो करते हैं 2 नंबर का लेन देन। डलवाओ पूरा खानदान तुम जेल में। तुम फिर से बोले, तुम्हें किसी ने बोला बीच में बोलने के लिए? जब मेरे और भाई साहब की बात हो चुकी है। आप चुप रहिए। हाँ मैडम, आप बोलिए। हाँ तो भाई साहब मैं ये कह रही थी कि 55,000 के अलावा जो भी इनके अकाउंट में आता है ना, वो मेरे पप्पा का है। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो कमेटी? चलाता मैं हूँ, लेकिन कैशियर इसका बाप है। बाप? मेरे पप्पा को तुमने बाप कहा? अरे मैडम एक ही बात है, पापा बाप बाप पापा, बात एक ही है, आप बोलिए मैडम। अब तो मैं ये कह रही थी कि मेरे पप्पा ना बैंक में मैनेजर है, तो कभी भी वो लोन करवाते ना तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं बीच में। अरे रुक जाओगी? आप चुप करिए मैडम, आप बोलिए। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि सरकार की तरफ से कभी बैंक में योजना आती ना आम लोगों के लिए, उसमें भी मेरे पप्पा थोड़ा बहुत पैसे खा लेते हैं। अरे मुंह बंद कर लो अपना, जो जो उसे बोल रही हो वो सब लिख रहा है रजिस्टर में। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बोल रहे हैं, आप चुप रहिए बिल्कुल। मैडम आप क्यों चुप हो गए, आप बोलिए ना, अच्छा लग रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा बिल्कुल भी। शट अप। हैं? इतनी सीधी सादी भोली भाली बीवी मिली हुई है भगवान की दया से, कदर कर ले कुछ इसकी। अरे मैडम आप क्यों चुप हो गए, आप बोलिए ना। देख लो बाहर वाले भी भाप जाते हैं कि कितनी गुणवान हूँ मैं, और एक तुम हो। करवाओ सत्यानाश तुम। अरे क्या सत्यानाश करवा रही हूँ मैं, 4-5 बातें बोल के ना 1.25 करोड़ रुपए बचा लिए मैंने तुम्हारे, वो नजर नहीं आ रहा है? पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी मैडम। कुछ कहा क्या आपने भाई साहब? हाँ मैंने ये कहा कि पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब हमारी तो बात हुई थी, अभी बात करी थी हमने। हाँ हाँ अंदर आ जाओ। कोई और भी आ रहे क्या भाई साहब? हाँ ससुराली आ रहे हैं तुम्हारे। अरे तुम तो जब भी बोलोगे उल्टा ही बोलोगे। अरेस्ट करो इन्हें। 1 मिनट, मैं 1 ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग तर-तर कांपते हैं मुझसे। फिर? मुझे कोई ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, मैं अपनी गिरफ्तारी खुद दूंगा। अरे गिरफ्तारी, ये क्या हो रहा है भाई साहब? आप सुनिए मेरी बात। लेके जाओ इसे। अरे, अरे,
कहाँ लेके जा रहे हो? सुनो मेरी बात। भाई साहब सुनिए ना, कुछ कीजिए ना, वो लेके गए उनको। पापा का नाम बताओ अपने। पापा? पापा क्यों? उनको बुलाएंगे। वो कैसे आ सकते हैं भाई साहब? वो तो दूर रहते हैं नागालैंड में, वो तो आ ही नहीं सकते। सुनो शादी बुला रहे। हाँ तुम डरना मत, मैं आ रही हूँ, रुको। ग्राम विकास अधिकारी, इनकम टैक्स पड़ गया इन पे भारी।